हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.8 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, cot x plus x into cot square x dx। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने कॉट एक्स प्लस एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन वन विच इज इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। डी जेड इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है वो होता है माइनस कोट स्क्वायर एक्स के इक्वल, तो उसको लिख दिया हमने डी एक्स। अब क्या करते हैं, माइनस वन को सेट लाते हैं, तो देखिए माइनस डी जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन है आपका कोट एक्स प्लस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस एक्स को हमने क्या माना जेड, अरे कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड, यहाँ माइनस एन बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका जेड डी जेड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब हम जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड का वैल्यू है एक्स प्लस कॉट एक्स या कॉट एक्स प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 का टू, 11 का टू में देखिए अंडर रूट साइन टू एक्स इन टू कॉस टू एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन, लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने साइन एक्स साइन टू एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, साइन टू एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस टू एक्स, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है टू एक्स, तो टू कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ तो टू हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब नाउ यहाँ से देखिए इसको हम टू की सर लेते हैं, तो हो जाएगा डी जेड बाई टू इज इक्वल टू कॉस टू एक्स डी एक्स। नाउ कहते हैं अंडर रूट साइन टू एक्स इंटू cos 2x dx इज इक्वल टू, ये sin 2x का वैल्यू क्या माना z, तो रूट z cos x dx इज इक्वल टू dz बाई टू, यहाँ देखिए cos 2x dx इज इक्वल टू dz बाई टू, यहाँ 1 बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बचा रूट z dz इज इक्वल टू 1 बाई टू रूट z इज इक्वल टू z का पावर 1 बाई टू dz, जेड को मैं से लिख सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, वन बाई टू जेड का पावर वन बाई टू प्लस वन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसका वन बाई टू प्लस वन प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इसको मैं से लिख सकते हैं वन बाई टू, ये पार्ट इंटीग्रेट होगा तो आपको हो जाएगा जेड का पावर यहाँ पर थ्री बाई टू, ये हो जाएगा टू बाई थ्री इक्वल टू कटेगा, ये हो जाएगा आपका वन बाई थ्री जेड का पावर थ्री बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई थ्री, जेड का वैल्यू पुट करते हैं हम, जेड इज इक्वल टू क्या साइन टू एक्स का पावर थ्री बाई टू प्लस सी इज इक्वल टू वन बाई थ्री इज इक्वल टू साइन थ्री बाई टू इंटू टू एक्स प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 12 में आपका देख लिया ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर एन साइन एक्स डी एक्स। सॉल्व करते हैं इसको, लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने ए प्लस बी कॉस एक्स, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू, ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा जीरो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। यहाँ से देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी साइन एक्स डी एक्स, बिल्कुल माइनस एम पी से लाते हैं तो आपको हो जाएगा यहाँ पे तो माइनस डी जेड बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, इतना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, ए प्लस बी कॉस एक्स का पावर एन इंटू साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं ए प्लस बी कॉस एक्स को हमने जेड माना था, जेड का पावर एन साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या है माइनस डी जेड बाई बी इज इक्वल टू माइनस, ए कॉन्स्टेंट है तो माइनस वन बाई बी बाहर आ गया, जेड का पावर एन डी जेड। अब क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस वन बाई बी, इसका इंटीग्रेशन डेट का पावर का इंटीग्रेशन डेट का पावर एन प्लस वन ऑन एन प्लस वन प्लस सी इक्वल टू माइनस वन बाई बी, जेड का वैल्यू क्या है ए प्लस बी कॉस एक्स इसका पावर होगा एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, ये क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं, लेट z इज इक्वल टू, माना हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन होगा इसका डी जेड इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 2x 3x का डिफरेंशिएशन 3 dx। नाउ क्वेश्चन करते हैं, नाउ इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको ऐसे ले सकते हैं देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x प्लस 3 डी एक्स। अच्छा मैंने दिया प्रॉब्लम में सर, अब हम क्या करते हैं पुट करते हैं जेड का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हमें जेड माना था, अंडर रूट जेड हो जाएगा ये और 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी जेड, रूट जेड को हमने ऐसे 1/2 लिख सकते हैं डी जेड बिल्कुल लिख सकते हैं, अब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो जेड का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/3 जेड का पावर 3/2 प्लस सी इसे इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/3 इंटू जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का 2,
given four x plus 2 and 2 under root x square plus x plus 1 dx. Solve the problem. Given आपका 4x plus 2 into under root x square plus x plus 1 dx is equal to, यहां से हम क्या करते हैं, 4x plus 2 से 2 common लेते हैं, 2 into बचेगा 2x plus 1, इसमें से common लिया है, and 2 into 2x is equal to 4x, or 2 into 1 is equal to 2. Let's go 3 under root x square plus x plus 1 dx. Yeah, some kind of the 2 common parallel thing constant is again 2 into under root square, square parallel thing, square, 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 square x square plus x plus 1 into 2x plus 1 dx. Let मालूम है let अब let z is equal to x square plus x plus 1, then इसका differentiation क्या हो रहा है, differentiation होगा इसका 2x digit, sorry digit is equal to 2x plus 1, 2x difference 2x square differentiation 2x, x differentiation 1 और 1 का differentiation 0, तो यहाँ से फिर इतना लिख देते हैं dx. अब क्वेश्चन पे आते हैं, 4x plus 2 into under root x square plus x plus 1 dx is equal to, क्या है लिखिए तो, 2 integration sorry under root x square plus x plus 1 into 2x plus 1 dx. इतना अब हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट करते हैं x का, 2 कांस्टेंट के बाहर ही रहेगा, ये रूट जेड हो जाएगा, 2x plus 1 dx is equal to dz, ये हो गया 2 रूट जेड, यानी z का पावर 1 by 2 dz. हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 2 into z का पावर 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c is equal to, इस कंट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका z into z का पावर 3 by 2, ये प्लस जाता है नीचे तो हो जाएगा 2 by 3 plus c is equal to हो जाएगा आपका 4 by 3 z का पावर 3 by 2 plus c. अब हम वैल्यू पुट करते हैं, 4 by 3 into z का पावर z is equal to क्या, x square plus x plus 1 का पावर 3 by 2 plus c, जो क्या आंसर है. अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, देखती है क्वेश्चन नंबर 14, 4x plus 3 under root 4x square plus 6x plus 1 dx. सो करते हैं इसको, let z is equal to, माना हमने 4x square plus 6x plus 1 ना मान लिया, then इसको differentiate करते हैं, differentiation हो गया z is equal to, ये इसका differentiation 8x plus 6 अब 1 का differentiation 0 dx. यहां से हम देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, तो common करते हैं 2 into 4x plus 3 dx, यानि dz है is equal to 2 into 4x plus 3 dx. यहां से 2 इधर आ जाएगा, तो divide में आ जाएगा, dz by 2 is equal to 4x plus 3
dx। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए नाउ 4x प्लस 3 अंडर रूट 4x प्लस 3 अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 dx। इसका मैसेज लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4x प्लस 3 dx। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, इसका क्या होगा, रूट जेड हो जाएगा, 4x प्लस 3 इंटू dx इक्वल टू डी जेड बाई 2। देखिए 4x प्लस 3 इंटू dx इक्वल टू डी जेड बाई 2 है, तो वैल्यू पुट कर दिया, अब 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया रूट जेड, रूट जेड को हम 1 बाई 2 लिख सकते हैं ना, जेड डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू जेड का पावर 8 2 बाई 3, छोड़िए हम कर देते हैं आपको, जेड का पावर 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 3, ऐड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई 2 जेड का पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 प्लस सी, यहाँ से 2 टू कैंसिल तो बचेगा आपका 1 बाई 3 जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई 3। जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड का वैल्यू आपका 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का पावर 3 बाई 2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन ऑफ तीन फ्रेंड्स आपका 15-1-0, इसमें टू क्वेश्चन है, 15 नंबर में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन होगा डी जेड इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, आप तो जानते हैं टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 को इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा आपका डी जेड बाई 2 इज इक्वल टू x dx हो जाएगा। ना क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अब हम क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, इसको मान लो पीछे भी ले सकते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स ले सकते हैं, देखिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड, तो जेड एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाई 2, तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है और रूट जेड को हम जेड का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं डी जेड लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 बाई 2 जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई 2, इसको जब ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा तो आपका 3 बाई 2, तो एक पड़ जाएगा तो हमें जाएगा 2 बाई 3 एंड 2 जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कैंसिल बचेगा 1 बाई 3 जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी इज इक्वल टू, अब जेड का पावर पुट कर देते हैं 1 बाई 3 जेड इज इक्वल टू क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का 2, में देखिए x इंटू
अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 2 एक्स डी एक्स, यानी 4x dx। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x dx होता है। dz इज इक्वल टू, यहां 4 से मल्टीप्लाई लाएंगे तो 4 का डिवाइड में आ जाएगा, ये बचेगा x dx। नाउ क्वेश्चन कहते हैं x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2 x स्क्वायर dx इज इक्वल टू, उसका मैसेज लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 2 एक्स 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर जो है जेड है तो अंडर रूट जेड हो जाएगा, और एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 4, डी जेड बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4 रूट जेड को हम जेड का पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं डी जेड। अब जेड का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन हमने बहुत बार किया है अभी, अब लोग आ गया है कैसे होता है इसका इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी, यहाँ से कटेगा 1 बाय में 2 टाइम्स में, यानी 1 बाई 6 जेड का पावर 3 बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 1 बाई 6 इंटू जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस इसका पावर है 3 बाई 2 प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है 3x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 डी एक्स, यह क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू माना हमने 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 3 6x माइनस 2, मैं कर सकता आप लोग जानते हैं होंगे डिफरेंशिएशन, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 3 इंटू 2x इज इक्वल टू 6x, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 2 ही रहेगा डी एक्स, यहाँ से क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, 2 इज इक्वल टू बचेगा 3x माइनस 1 डी एक्स, और ये 2 जो है यानी डी जेड इज इक्वल टू 2 इंटू 3x माइनस 1 डी एक्स, इतना हो गया, यहाँ से 2 डिवाइड में आ जाएगा इधर डी जेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 डी एक्स, इतना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, नाउ 3x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 डी एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं 3x माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2, यानी 1 अपॉन इसको हमारे 2 डी जेड हो जाएगा, और इसका वैल्यू 3x माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई 2, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन जेड यानी जेड का पावर माइनस 1 बाई 2 डी जेड, इतना इसको इंटीग्रेट करते हैं, जेड की जगह तो 1 बाई 2 इंटू जेड का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू ये माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा, जो कि प्लस जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और जेड का पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 यानी प्लस 1 बाई 2 जेड प्लस सी
ये टू टू कैंसिल बचा आपका जेड का पावर 1/2, यानी विच इज इक्वल टू रूट जेड प्लस सी। रूट जेड का वैल्यू क्या है, 3x² - 2x + 7 और प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। जट्स अमिनट्स फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिए x - 1 √x² - 2x dx। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। लेट मान लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू x² - 2x। देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए देन डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका आपका डी जेड इज इक्वल टू (2x - 2dx). माइनस टू कॉमन लेंगे तो आपको बचेगा 2 × x - 1 dx, यानी डी जेड इज इक्वल टू 2 × x - 1 dx। यहाँ 2 को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा डी जेड बाई 2 × x - 1 dx। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन इतना है, अब आते हैं आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाउ (x - 1) √(x² - 2x dx), इसको मैं ऐसे भी ले सकते हैं, अगर अच्छा √(x² - 2x) · (x - 1) dx। इसको देखिए तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, √(z) हो जाएगा, ये (x - 1) dx इज इक्वल टू क्या है, (dz/2), 1/2 कॉन्स्टेंट। आप रूट जेड का तो इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, 1/2 × 2/3 रूट जेड का इंटीग्रेशन, और जेड का पावर 3/2 + c (2, 2 कैंसिल) बचा आपका 1/3 × z^2 कितना 3/2 + c (1/3) z^2 (x² - 2x) √(3/2) + c, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट देखते हैं, 2ax + b / (ax² + bx + c dx) सॉल्व करते हैं। लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने (ax² + bx + c), देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2ax + b, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, 2ax + b (dx) / (ax² + bx + c) = 2ax + b (dx) = (dz) / a, ना z माने इसको तो z इंटीग्रेशन हो जाएगा log z, 1/z का इंटीग्रेशन log z + c,
इज इक्वल टू लॉग जेड इज इक्वल टू क्या वैल्यू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट के मान लेते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर दिया गया है सी का, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का टू। क्वेश्चन नंबर 18 का टू, 18 टू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सॉल्यूशन करते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहेगा, डी जेड बाई 2x डी एक्स। नाउ क्वेश्चन कहते हैं, इसका हो गया 2x डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड, 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन ये जेड इज इक्वल टू लॉग जेड प्लस सी। जेड का वैल्यू पुट करते हैं, जेड का वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, जो कि आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है आपका, ये देखते हैं 19 है आपका 2ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। सोल्यूशन, लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 2ax प्लस बी डी एक्स। नाउ वैल्यू पुट क्वेश्चन पे आते हैं, 2ax प्लस बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या आता है, 2ax प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ए रूट जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड का पावर माइनस 1/2 डी जेड, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका जेड का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 पावर माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2 जेड का पावर 1/2 प्लस सी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा इज इक्वल टू 2 जेड का वैल्यू, यानी जेड का पावर 1/2 यानी रूट जेड प्लस सी, यानी 2 जेड का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट के लेते हैं, यहाँ पे हम सी नल के लेते हैं, आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर आपका एक्स इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर का पावर 5/2 डी एक्स, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। लेट जेड इज इक्वल टू, माना हमने 1 प्लस 3x स्क्वायर, देन इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी जेड इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन तो 0, 3 इसका डिफरेंशिएशन 6x डी एक्स, यहाँ से 6 इस साइड आ जाएगा तो आपको हो जाएगा डी जेड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इतना। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स इंटू
1 plus 3 x square the power 5 by 2 dx is equal to हो जाएगा 1, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं 1 plus 3 x square the power 5 by 2 into x dx is equal to, अब पुट करते हैं वैल्यू 1 plus 3 x square, इसको हमने z मानते हैं, z का power 5 by 2 x dx को is equal to dz by 6 is equal to 1 by 6 constant था, इसे नंबर आ गया, ये हो गया z का power 5 by 2 dz. इसको इंटीग्रेट करते हैं तो 1 by 6 into z, इसका इंटीग्रेशन z का power 5 by 2 plus 1 upon 5 by 2 plus 1 plus c is equal to 1 by 6 into z का power कितना हो जाएगा, जोड़ी जाता हूँ 7 by 2, और ये 7 by 2 नीचे भी आता है, जो पलट जाएगा तो हो जाएगा 2 by 7 plus c equal to, ये कटेगा तो 1 by 3, 3 times में is equal to 1 by 21 z का power 7 by 2 plus c. अब वैल्यू पुट करते हैं z का 1 by 21 z का power 1 plus z का z is equal to क्या 1 plus 3 x square power 7 by 2 plus c. फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें. थैंक यू.